हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आया हूँ सेंट्रो 2010 मॉडल। फ्रंट से अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको सारा सेटअप हेलोजन मिलता है। यहाँ पे आपको इसकी हेलोजन हेडलाइट्स मिलती है, नीचे की तरफ फॉग लैंप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एलईडी लगा रखी है। फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसी लगती है। इसके अंदर 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो कि 62 BHP पावर जनरेट करता है और 95 Nm टॉर्क। इंजन बे की बात करें तो ऐसा इंजन भी आता है इसका, ये कंप्लीट पेट्रोल है, इसमें कोई सीएनजी नहीं लगी हुई। माइलेज की बात करें तो 17 KMPL का ये माइलेज आपको ऑफर कर दिया। टायर सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आते हैं 145/80R13 13 इंची का आपको स्टील रिम मिलते हैं। साइड से कुछ गाड़ी की लुक ऐसी है, ये स्टॉक गाड़ी है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हो रखा है। रियर से बात करते तो रियर से कुछ ऐसी लोग हैं। आता है इसका बूट स्पेस, बूट स्पेस कितना मिलता है, इसके अंदर आता है 215 लीटर का बूट स्पेस। यहीं पे आपको ये मिलता है इसका स्पेयर व्हील और जैक वगैरह, जो इसमें स्पीकर्स हैं वो यहीं पे प्लेस होते हैं, यहीं लगे हुए स्पीकर इसके अंदर। पीछे से अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी ये टेल लाइट है, ये सारी हैलोजन मिलती है, ये आपकी रिवर्स लैंप, ये आपका इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है, बड़ा बड़ा हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। कोई गाड़ी में डिफॉगर वाइपर नहीं आता, ये नीचे मॉडल है, जिसका टॉप मॉडल आता है उसके अंदर वाइपर और डिफॉगर दोनों आते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गाड़ी के अंदर। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें तो ये आपको ये डंडी से मिलती है। फ्रंट में दोनों पावर विंडो मिलती है, जो इसका टॉप मॉडल आता है उसमें पीछे भी पावर विंडो मिलती है। इसमें सिर्फ फ्रंट के आपको दो पावर विंडो मिलती है और जो पीछे के आते हैं उनके स्विच दो वहाँ आते हैं और बाकी पीछे आते हैं। और यहाँ पे आपको बस नीचे थोड़े से यहाँ पे पेपर वगैरह रखने के लिए, कपड़ा वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाती है। इंटीरियर से बात करें तो इसका कुछ ऐसा आपको मीटर दिखता है, इसके अंदर से आपको स्पीडोमीटर मिलता है। राइट साइड में इसका ये फ्यूल गेज मिलता है और इधर इंजन टेम्परेचर। इसका जो फ्यूल गेज है ना, ये हर टाइम आपको फ्यूल बताएगा, चाहे गाड़ी आपने ऑन करी हो ना करी हो। जैसे मैंने अभी इससे चाबी लगाई है, ऑन नहीं करी है, अभी मैं ऑन करूंगा। अब मैंने जैसे ही गाड़ी ऑन करी तो ये ऑन हो गया, फ्लोर बंद करूंगा। अंदर ये साइड मेरा आपको देख रहे हैं, ये आपको यहीं से एडजस्ट करने पड़ेंगे मैनुअली। यहाँ पे मिलता है आपको इसका हेडलाइट लेवलर, ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग मिलता है, ये हॉर्न है। इधर मिलते हैं आपको हेडलाइट के कंट्रोल, इधर मिलते हैं आपके वाइपर से कंट्रोल, और जैसा फ्रंट में स्पीकर्स आते हैं वो यहीं मिलते हैं आपको, कोई भी दरवाजे पर नहीं मिलते। उसके अलावा इसके अंदर आते हैं आपके वही 5 गियर, ये रिवर्स, ये आर्मरेस्ट आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, इसके अंदर कोई आर्मरेस्ट नहीं आता। यहाँ पे आपको सिंगल डिस्क स्टीरियो का ऑप्शन मिलता है, ये भी आफ्टर मार्केट है। जो ये आपका रियर व्यू मिरर है, ये आपका डे नाइट वाला है, यहाँ पे भी कोई मिरर नहीं मिलता, यहाँ पे भी कोई मिरर नहीं मिलता। ये आपको बीच में लाइट मिल जाती है। उसके अलावा ये आपका एसी कंट्रोल है, यहाँ से आप अपने हजार ऑन ऑफ कर सकते हो, ऐसा कुछ आपको इसके अंदर ग्लव बॉक्स मिलता है, और इधर भी पावर विंडो मिल जाती है से, और बिल्कुल एकदम प्लेन डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप कुछ रखना चाहो रख सकते हो। आगे से ऐसे ही यही सब आपको मिलता है फ्रंट में। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। पीछे की अगर बात करें, नीचे तीनों ABC पेडल है, पीछे वही नॉर्मली ये घुमाने वाला मिलता है। पीछे की अगर स्पेस की बात करें तो कुछ इतना स्पेस मिलता है। अभी मैंने ये वाली सीट अपने हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच, उस हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो पीछे मेरे पास इतना स्पेस बचता है, मतलब मेरे थोड़े पैर टकरा रहे हैं, स्पेस थोड़ी गाड़ी में कम मिलती है। पीछे से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आर्मरेस्ट मैंने आपको दिखाई दिया, पीछे यहाँ पे मैगजीन होल्डर है और ऐसी पॉइंट है। स्पेस आपको दो जनों के हिसाब से तो ठीक है, तीन जनों को बैठाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ओवरऑल ऐसे कुछ दिखते हैं, और जो इसमें हेडरेस्ट आते हैं ये भी फिक्स आते हैं, चारों के चारों हेडरेस्ट फिक्स्ड है। जो ये वाली स्पीड सीट है, इसको हम ऐसे क्या नाम है, नीचे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से ये खींच के यहाँ पे ये दे रखे हैं, इधर से ऊपर करके, इधर से ऊपर करके ये सीट आपकी पूरी फोल्ड हो जाती है ऐसे। ये सनशील्ड सीट्स हैं, ये ऐसे मैंने ये दोनों तरफ से खींच के ऐसे, और ये पूरी ऐसे, मतलब आप इसको ऐसे उठा के बिल्कुल ऐसे बेंच भी बना, मतलब बिल्कुल पीछे चली जाती हैं ये, और आपके पास बूट स्पेस बढ़ जाता है आपका काफ़ी। और ऐसे यहाँ लॉक लगे हुए हैं, वापस ऐसे लॉक में सेट हो जाती है। पीछे की तरफ भी आपको सीट बेल्ट मिली दे रखी है, तो ऐसी कुछ आपको मिलती है सेंट्रो। ये वाली जो सेंट्रो है आपकी 2008 से लेकर 2015 तक सेल करी गई है।
तो आपको कैसा लगा, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।